गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 6 गणित का पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 में कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, +8 +6। अब जब दोनों नंबर प्लस के हैं तो इसमें अगर हम प्लस अपना भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों नंबर प्लस के हैं, यानी दोनों संख्याएं धनात्मक हैं। तो इनको हम ऐसे लिखें, अगर न धन 8 लिखें तो इनको हम ऐसे लिखें 8 × 6 = 14, क्योंकि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं। क्या है? धनात्मक है। तो इसी तरीके से लिखा, जब एक धनात्मक हो, जैसे लिखा हो 35 धन 18, ठीक है ना। जब इस तरीके की स्थिति हो तब एक ऋणात्मक है, करने की क्या ऋण पहले से ऐसे लिख देंगे धन 18। अब देखिए, एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है, तो जो संख्या बड़ी होगी जिस चिन्ह वाली, तुमको बाहर से बाह्य तौर पर जो बड़ी दिखाई दे, ठीक है ना, क्या बाह्य तौर पर, तो इसमें ये आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ऋणात्मक हमने कल बताया था संख्या ऋणात्मक बड़ी होती है ऋणात्मक छोटी होती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक वाली हम संख्या के नीचे निशान लगा देंगे और 35 में 18 घटा देंगे, 15 आगे 7 और 2 में गया 1, ठीक। तो कितना बचा? ऋण के 17 बचे, यही आपका आंसर। ये जोड़ में पढ़ो, इसी प्रकार से कह रहा है योग ज्ञात कीजिए 100 धन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, 100 धन ऋण 64 धन ऋण 32 धन ऋण 32। अब क्या करना है, इसमें 100 लिख लिया, पहले चिन्हों की गुणा करते हैं, धन ऋण की गुणा ऋण 64 और धन ऋण की गुणा ऋण 32। अब इसमें धनात्मक संख्या, इसके पहले कोई निशान नहीं है तो ये संख्या होगी धनात्मक, जिसके पहले कोई चिन्ह न हो तो वो संख्या धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो धनात्मक संख्या को हमने लिख लिया और ये ऋणात्मक वाली दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, ऋण की ये भी ऋण की ये भी, तो निशान ऋण का लगा देंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 2 6 3 6 9। आप समझ में आई बात? ऋणात्मक वाली जितनी भी होंगी उनको जोड़ लेंगे, क्योंकि वो एक ही चिन्ह संख्या, एक ही समान संख्या, ऋणात्मक ही संख्या है, इसलिए उनको हम जोड़ लेंगे। तो ऋण ऋण जोड़ लिया और उनको संख्याओं को जोड़ लिया। अब देखते हैं कि धनात्मक बड़ी है और ऋणात्मक छोटी है, तो इस संख्या में से ये संख्या घटाते हैं, 100 में 96 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे? 4, आंसर 4 आ गया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप लोग पहला क्वेश्चन के जो दो रह गए वो कर लेना और दूसरे क्वेश्चन में एक हमने बता दिया है, एक ही और रह गया है, इसको भी कर लेना। थैंक यू।